सरकार ने दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री दिल्ली मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। सरकार के पास पहले से ही वरिष्ठ नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं थी। भारत एक धार्मिक देश है और तीर्थ यात्रा का भी बहुत महत्व है। दिल्ली के कुछ वरिष्ठ नागरिक वित्त की कमी के कारण तीर्थ यात्रा के लिए जाने में असमर्थ हैं। सरकार ने ये मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की है जो स्वयं यात्रा के लिए जाने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार दिल्ली के उस नागरिकों को मौका प्रदान कर रही है जो अपने स्वयं के खर्चे किए गए धन के लिए तीर्थ यात्रा में जाने में असमर्थ हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना दिल्ली के लिए कोई ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया उपलब्ध नहीं है। आप अपना पंजीकरण दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट वेब पोर्टल पर ऑनलाइन मोड के माध्यम से करा सकते हैं। इस योजना के तहत सरकार यात्रा, भोजन, निवास आदि जैसी सभी खर्चों को वहन करेगी। इस योजना के तहत सभी सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाएंगी। केजरीवाल सरकार की ये योजना पिछले साल दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले ही बंद हो गई थी, जिसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा ये तर्क दिया जा रहा था कि केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेन उपलब्ध नहीं कराने के कारण इस यात्रा में बाधा हो गई थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अब ट्रेन मिली है तो फिर से बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना को शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। करने के लिए भेजते हैं, आज तक 86 ट्रेन जा चुकी है। लगभग हर हफ्ते 10 दिन में एक ट्रेन जाती है बुजुर्गों को लेके। अब तक 86 ट्रेन जा चुकी है, आज 87वीं ट्रेन जा रही है और अभी तक 82,000 से ज़्यादा बुजुर्ग इन ट्रेन्स में अलग अलग जगह तीर्थ यात्रा, द्वारकाधीश है, रामेश्वरम है, पुरी जी है, शिरडी बाबा है, हरिद्वार, ऋषिकेश है, हम जगह जगह भेजते हैं। अयोध्या जी है, वहाँ पर तीर्थ यात्रा करने के लिए उनको भेजते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि उनको हर बार यहां पे रवाना करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए आऊं। अभी मैं मिला सबसे, सब लोग बहुत खुश हैं और 22 तारीख को जब वहां पे मंदिर का शुभारंभ होगा तो उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि अयोध्या के लिए ज़्यादा से ज़्यादा और ट्रेन हम लगा सकें, ताकि लोगों में बहुत उत्साह है अयोध्या जी जाके रामलला के दर्शन करने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा और ट्रेन जो है वो अयोध्या जी के लिए जा सकते हैं। आप अयोध्या जाएंगे 22 तारीख को? उनका एक लेटर आया था, उसके बाद हमने उनको फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि कोई पर्सनली इनवाइट करने के लिए, फाइनल इनविटेशन देने पर्सनली उनकी टीम आएगी। वो तो आई नहीं, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं। उसमें लेटर में उन्होंने लिखा है कि बहुत ज़्यादा VIP और VVIP आएंगे और इसीलिए सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए एक ही व्यक्ति अलाउड है वहाँ पे अभी इस टाइम जाना। तो एक तो फाइनल इनविटेशन का मुझे नहीं पता, कोई आया नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी धर्मपत्नी और अपने बच्चों के साथ, और मेरे माता पिता को भी बहुत ज़्यादा चाव चढ़ा हुआ है कि हमें जाके रामलला जी के दर्शन करने हैं, तो अपने माता पिता, अपनी धर्मपत्नी, अपने बच्चों के साथ मैं जाऊँगा। बाद में चले जाएंगे जब भी, एक बार ये भी हो जाए 22 तारीख में। बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने कहा था कोई देने के लिए आएगा, लेकिन अभी कोई आया नहीं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बाद में सब परिवार में जाना चाहता हूँ, तो बाद में सब परिवार में जो भी कानून संगत जो भी काम है कानून के हिसाब से, वो कानून के हिसाब से करेंगे। सर 24 की लड़ाई क्या मंदिर से होगी? मोदी जी दक्षिण के दो मंदिरों में गए, सर क्या 24 की लड़ाई मंदिर से लड़ी जाएगी? सर राहुल जी भी शिव मंदिर गए, सर मेरे ख्याल से मंदिर तो भावना की बात है, अपने सबके अपने धर्म के हिसाब से, सबका अपना अपना फेथ है, विश्वास है, तो वो तो भावना की। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।